Good day everyone, myself Tripti Mishra. Today we are going to study about class 5th EVS chapter number 5 seeds and seeds. This is part 2 video in which we will try to learn more things about the seeds. Plants which hunt. There are some plants which trap and eat frogs, insects, and even mice. कुछ पौधे ऐसे भी होती हैं जो कि की मेंढक कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी ट्रैप करते हैं और खा जाते हैं द पिचर प्लांट नेफिन इज वन सच प्लांट पिचर प्लांट ये जिसे हम नेफिन भी कहते हैं यह ऐसा ही एक पौधा होता है इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है साथ ही इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है इट हैज़ -like ए पिक्चर लाइक शेप एक पिचर या घड़े नुमा शेप होती है एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ और इसका माउथ जो है वो एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर से ढका होता है द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट पौधे में एक स्पेशल स्मेल होती है जो कि की कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वेन द इंसेक्ट्स लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट जैसे ही इंसेक्ट पौधे के मुँह पर आता है वैसे ही वो ट्रैप हो जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है वॉट ए क्लेवर वे टू हंट शिकार करने का कितना चालाकी भरा तरीका सो मैनी सीड्स कितने अलग तरीके के बीज इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स इस टॉपिक में हम अलग अलग तरीके के बीजों के बारे में पढ़ेंगे एंड फॉर देट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी हमें बहुत अलग अलग तरीके के बीज कलेक्ट करने होंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट आप कितने तरीके के बीज इकट्ठे कर सकते हो तो आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प से मम्मी की हेल्प से जितने भी आपको किचन में सीड्स मिल सकते हैं उनको आपको कलेक्ट करना है वेयर विल यू फाइंड दैम आपको ये कहाँ मिलेंगे ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मनी डिफ़रेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन आप में हर किसी को जितने अलग अलग तरीके के सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं उतने आपको सीड्स कलेक्ट करनी हैं आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली आप कलेक्ट किए हुए सभी बीजों को एक साथ रख के उनको आपको ऑब्जर्व करना है ध्यान देख से देखना है दियर शेप साइज कलर्स टेक्चर टेक्स्चर्स स्मूथनेस और रफ rough, रफनेस तो अब आपको ध्यान से उनको देखना है उनकी शेप्स को साइज को कलर्स को और उनके टेक्सचर को टेक्स्चर माने स्मूथ है या रफ है ये आपको उनमें ध्यान से देखना है मेक ए सीट चार्ट टू पुट अप इन द क्लास अब इसके बाद आपको अपनी क्लास में लगाने के लिए एक सीट चार्ट बनाना है यू कैन स्टार्ट विद ए टेबल लाइक दिस आपके सीट चार्ट की टेबल को आप इन कॉलम्स को ध्यान में रखते हुए बना सकते हो नेम ऑफ द सीट कलर शेप शेप आपको ड्रॉ करनी है और उसके साथ में टेक्स्टर टेक्स्चर मीन्स स्मूथनेस ऑफ और रफ तो फॉर uh, एग्जाम्पल आपने एक सीड रखा राजमा इसका कलर कलर यू शुड राइट रेडिश ब्राउन कलर शेप शेप आपने ड्रॉ कर दी जो कि किडनी के जैसा शेप होता है है ना देन टेक्स्चर टेक्स्चर राजमा इफ़ यू विल टच यू विल फाइंड इट इज़ स्मूथ आप जैसे छूते हो तो आपको लगेगा कि ये स्मूथ है नाउ थिंक डिड यू कीप एनी सीड मीन्स सौफ एंड क्यूमिन मीन्स जीरा इन योर लिस्ट क्या आपने अपनी लिस्ट में एनी सीट यानी सौंफ और जीरे को रखा है अगर नहीं रखा है तो आपको रखना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए कि सौंफ और जीरा भी सीड ही है जो आप जो कि हम मसाले के तौर पे खाते हैं आसानी से किचन में हमारे अवेलेबल होता है और ये भी सीड हैं और इन्हें भी आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना है विच वॉज़ द स्मॉलेस्ट सीट एंड विच वॉज़ द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन आपके कलेक्शन में कौन सा स्मॉलेस्ट सीट होगा और कौन सा बिगेस्ट सीट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मेरे कलेक्शन में कुछ फ्रूट्स भी शामिल किए हैं कुछ फ्रूट्स के सीड्स भी शामिल किए हैं तो मेरे कलेक्शन में बिगेस्ट सीड होगा मैंगो सीड और स्मॉलेस्ट सीड होगा मस्टर्ड सीड मस्टर्ड जो uh, सरसों के जो बीज होते हैं जिनको हम राई भी कहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो स्मॉलेस्ट विल बी ऑफ मस्टर्ड सीड एंड बिगेस्ट विल बी ऑफ द मैंगो सीड मे बी इट मे डिफर इन योर कलेक्शन बट वॉट एवर इज योर कलेक्शन दैट यू हैव टू राइट इन हेयर नाउ यू हैव टू राइट दिस मेक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी है सीड दैट आर ज स्पाइसिस इन योर होम वो बीज जो आपके घर में मसालों के तौर पर काम में लिए जाते हैं सो हेयर यू मे राइट कोरिए धनिया क्यूमिन ज़ीरा एनी सीड सौ मस्टर्ड सरसों फनोग्रीक मेथी सो यू कैन इंक्लूड ऑल दीज सीड्स बिकॉज ऑल दीज सीड्स आर यूज एज द स्पाइसेस एट अवर होम देन सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों के बीज हेयर यू कैन इंक्लूड द सीड्स ऑफ लेडी फिंगर दैन टमाटो कुकुम्बर ब्रिंजल सो दैट सीड्स यू कैन इंक्लूड भिंडी के बीज टमाटर के बीज या खीरे के बीज बैंगन के बीज ये सारे बीज आप वेजिटेबल्स के सीड के तौर पे कलेक्ट कर सकते हैं देन सीड्स ऑफ फ्रूट्स फलों के बीज हेयर यू मे इंक्लूड द सीड्स ऑफ एप्पल मैंगो ऑरेंज, गुआवा और सम अदर पपाया तो यहाँ पे आप अगर फ्रूट्स के बीज आपको कलेक्ट करने हैं तो आप सेब के आम के ऑरेंज के या अमरूद के या पपाया के या वाटरमेलन के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं देन लाइट सीड्स हल्के बीज चेक बाय ब्लोइंग डैम हल्के बीज बने आप उसको हथेली पे रखो थोड़ा फूक मार के हवा से उड़ाने की कोशिश करो जो उड़ जाते हैं इसका मतलब वो हल्के सीड हैं सो हेयर यू में इंक्लूड क्यूमिन यानी जीरा और सौफ़ और मस्टर्ड ऐसे सीड्स हैं जो हल्के होते हैं काफ़ी और वो उड़ जाते हैं सो इन द लाइट सीड्स यू कैन एंड ऑल्सो कॉटन सीड ऑल्सो यू कैन इंक्लूड हेयर जो कि उड़ सकते हैं सीड्स विच आर फ्लैट वो भी जो कि फ्लैट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन टेक हेयर तिल सिम दैट इज तिल जिससे हम तेल निकालते हैं वो तेल वो जो है वो फ्लैट होते हैं साथ ही राजमा जो है राजमा भी फ्लैट होता है वाटर मिलन तरबूज के बीच भी फ्लैट होते हैं सो हेयर इन दीड्स फ्लैट सीड्स में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं मेक मोर ग्रुप्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक इसी तरीके के और ग्रुप भी आप बना सकते हो जैसे रफ सीड्स या इलांगेटेड सीड्स राउंडेड सीड्स इस तरीके के ग्रुप और आप बना सकते हो अपनी चॉइस से डू यू नो एनी गेम्स यू कैन प्ले विद सीड्स डिस्कस विद योर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करो और अगर आप भी कोई ऐसा गेम जानते हो जो कि सीड्स से खेल की सहायता से खेला जा सकता है तो वो भी आप बैठ कर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं वेंडरिंग सीड्स घुमक्कड़ बीच प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते घूम नहीं सकते चल फिर नहीं सकते वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस एक बार जब वो उग जाते हैं तो वो हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं बट दे सीड्स आर ग्रेट ट्रेवल्स बट उनके बीज जो हैं वो बहुत बड़े यात्री होते हैं ट्रैवलर होते हैं दे कैन रीच फार एंड वाइड वो बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हैं लुक एट

बाय अलविदा तो बच्चों जब बहुत सारे एक ही पेड़ से या एक ही पौधे से बहुत सारे बीज निकलते हैं और अगर वो सभी बीज उसी जगह पे गिर जाएंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में जगह स्थान नहीं मिल पाएगा डेवलप होने के लिए उसी तरह से सनलाइट वाटर सॉइल न्यूट्रीशन हर चीज़ के लिए उन्हें बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा और हर पौधे का सरवाइव होना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए आ, नेचर ने कुछ इस तरीके की व्यवस्था की है कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं सो दिन इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द सीड डिस्पर्जल सो हेयर वी विल स्टडी अबाउट द सीड डिपर्जल सीड्स कैन भी डिस्पर्ज फ्राम वन प्लेस टू अनादर प्लेस टू स्टॉप ओवर क्राउडिंग सो डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स ऑफ सीड डिस्पर्जल आर विंड वाटर एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स पानी की सहायता से हवा की सहायता से और एक्सप्लोजन हो करके फट करके या एनिमल्स की सहायता से सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं इन द पिक्चर वन दे आर शोइंग द पिक्चर वन द यू कैन सी दिस इज द दीज़ आर द सीड्स आर दे आर वेरी लाइट सीड्स एंड दे कैन डिस्पर्ज बाय द विंड सो so, ये तो हवा की सहायता से ही ये बहुत हल्के सीड्स हैं और ये हवा की सहायता से या किसी इंसेक्ट्स के साथ में चिपक करके भी या हवा के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं इन द पिक्चर टू यू कैन सी दिस इज द सीड्स विच कैन स्टिक ऑन द अनादर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लाइकवाइज ऑन दिस डॉग यू कैन ऑब्जर्व दैट सो मैनी सीड्स आर स्टिक्ड ऑन द स्किन ऑफ द डॉग सो दैट इज़ द डिस्पर्जन थ्रू एनिमल्स इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन थ्रू एनिमल्स तो यहाँ दो पिक्चर है एक में विंड की सहायता से हवा की सहायता से और इंसेक्ट्स की सहायता से डिस्पर्जन दिखाया है यहाँ दूसरे पिक्चर में एनिमल्स की सहायता से सीड डिस्पर्जन दिखाया है तो ये दो तरीके हुए सीड डिस्पर्जन के हैव यू एवर सीन एनी सीड that कैन फ्लाई क्या तुमने कभी कोई ऐसा बीज देखा है जो उड़ सकता है yes, I आई seen सच seed. It हैज़ वाइट हेयर्स अटैच टू इट हाँ ऐसे सीड्स आपने भी देखे होंगे समर सीजन में जनरली एक आ, वाइट हेयर कंटेनिंग सीड उड़ता हुआ हमने भी देखा है व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया आपके एरिया में उसे क्या कहा जाता है जनरली हमारे एरिया में उसको बुढ़िया के बाल या ओल्ड वुमेंस हेयर कहते, कहते हैं कहते हैं लुक एट सम योर सीड कलेक्शन अपने सीड कलेक्शन को देखो हाउ मैनी ऑफ दोज कुड है ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग उनमें से कितने उड़ कर के ट्रैवल कर सकते हैं आई थिंक सम ऑफ दैम कुड ट्रैवल बाय फ्लाइंग फॉर एग्जाम्पल क्यूमिन एंड एनीसीट जो है जीरा और आ, सौफ इसके बीच जो है ये बहुत हल्के होते हैं जीरा और सौफ के तो इसको आ, उड़ कर के भी ये ट्रैवल कर सकते हैं लुक एट पिक्चर टू द सीट कैन नॉट फ्लाई पिक्चर टू में जो हमने देखा था सीट uh, वो उड़ नहीं सकता बट इट कैन स्टिक ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ्स लेकिन ये हमारे जानवरों के फर से चिपक के या हमारे कपड़ों से चिपक के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है इन दिस वे इट गेट्स ए फ्री राइड इस तरह से इसको एक मुफ्त की सवारी मिल जाती है डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड्स तो आपको इन बीजों से कोई नया आइडिया मिला रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल चलो आओ अब पढ़ते हैं हम कि जो वेलक्रो होता है जिस जो जनरली हम बैग्स में या शूज में देखते हैं उस वेलक्रो का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को कैसे आया दिस हैपन्ड इन 1948. ये 1948 की घटना है वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल म बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग एक दिन जॉर्ज मैस्टल अपने डॉग के साथ एक घूम करके आ रहे थे ही वॉज अमेज टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फॉर वो ये देख के आश्चर्यचकित रह गए कि कुछ सीड्स जो हैं वो उनके डॉग के फर के ऊपर चिपके हुए थे साथ ही उनके कपड़ों के ऊपर भी चिपके हुए थे ही वंडर्ड वॉट मेड दैम स्टिक उनको आश्चर्य लगा कि उन बीजों में चिपकने का क्या है सो ही ऑब्जर्वड दी सीड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया ध्यान से देखा ही सो दैट द सीट्स हैड मैनी टिनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स ऑन फर उन्होंने पाया कि सीड्स पर बहुत सारे छोटे छोटे हुक्नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कपड़ों और फर् से चिपक जाते हैं दिस गेव मेस्टल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेल क्रो इसने जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया दिया ही मेड ए मटेरियल विद सिमिलर टिनी हुक्स दैट वुड स्टिक उन्होंने उसी तरीके के टिनी हुक्स वाला एक मटेरियल बनाया जो कि चिपक सकता था वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स क्लॉथ्स शूज बैग्स बैल्स एंड मैनी मोर और आज हम इस तरीके के वेलक्रो जो हैं वो बहुत सारे कपड़ों में हमारे जो कपड़े पहनने के होते हैं उनमें भी हम यूज़ करते हैं साथ में शूज में सैंडल्स में बैग्स में बेल्ट्स में इस तरीके के वेलक्रो का यूज़ किया जाता है सो हियर इन दैट सैंडल्स आल्सो दैट इट इज़ वेलक्रो दैट इज़ यूज लाइक दैट इज़ द वेलक्रो वॉट ए वे टू मेक इंस्परेशन फ्रॉम नेचर प्रकृति से प्रेरणा मिल लेने का ये कितना अच्छा तरीका है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीट्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनको देख कर हमें गैस करना है कि बीच किस तरह से ट्रेवल करते हैं और कैसे अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं सो हेयर इज दैट इज़ द अनादर मैथड्स ऑफ डिस्पर्जन दैट इज यू कैन सी हेयर इट इज़ एन स्कूल एक गिलहरी है जिसने कुछ फल खाया या। और उसके बीच को वो हाथ में लेकर एक जगह से दूसरी जगह चली गई और इस तरह से एनिमल्स बाय द थ्रो एनिमल्स सीड्स का डिस्पर्जन हुआ अनादर पिक्चर ऑल्सो ए बर्ड इज देयर एंड इट इज ऑल्सो ईटिंग फ्रूट्स एंड आफ्टर दैट इट हैज़ द सीड उसने अपने बीज को पकड़ा हुआ है और फिर वो बीज को लेके उड़ कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है दैट इज़ ऑल्सो द डिस्पर्जल थ्रो एनिमल्स इन द थर्ड पिक्चर वी कैन ऑब्जर्व इट इज़ ए कोकोनट ट्री एंड द सीड्स आर डिस्पर्ज इन टू द वॉटर जनरली कोकोनट ट्री नदी के जो या समुद्र के तटों के पास में होते हैं और उनके बीज जनरली पानी में गिर जाते हैं और पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं दैट इज डिस्पर्जल थ्रू वाटर सो दीज आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ डिस्पर्जल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्पर्जल थ्रू एयर एंड डिस्पर्जल थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एंड डिस्पर्जल थ्रू वाटर हेयर वी स्टडीड सम प्लांट्स स्प्रेड दियर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज कुछ पौधे अपने बीजों को लंबी दूरी तक स्प्रेड करते हैं फैलाते हैं वेन द सोयाबीन पॉट्स आर राइप्ड सोयाबीन की जब कलियां जब पक जाती हैं बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट वो फट जाती हैं और उनके बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं हैव यू एवर हीयर्ड दियर साउंड क्या आपने उसकी आवाज़ सुनी है जब वो फटती है तो एक बहुत तेज आवाज़ के साथ फटती है शायद आपने कभी सुनी भी हो तो दैट इज़ द अनादर मैथड ऑफ़ सीड डिस्पर्जल दैट इज बाय बर्स्टिंग तो फटने से भी सीड का डिस्पर्जल होता है बर्स्टिंग और वी कैन से एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड ऑफ सीड डिस्पर्जल थिंक वॉट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली क्या होगा अगर बीज ना फैलें और एक ही जगह पर बने रहें तो अगर वो एक ही जगह पर बने रहेंगे तो उनको सभी सीड्स को पर्याप्त मात्रा में उनकी पानी प्रकाश और स्पेस और न्यूट्रिशन वो सब नहीं मिल पाएगा और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी सो इफ द सीड्स वुड नॉट स्प्रेड एंड वुड रिमेन एट वन प्लेस ओनली देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम्स फॉर दो सीड्स ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री दिस विल प्रिवेंट दो सीड्स फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट एयर एंड वाटर एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सीड्स वुड फेल टू जर्मिनेट न्यू सैपलिंग्स ग्रोइंग अंडर ए ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ इट इज नेसेसरी द डिस्पर्जन ऑफ द सीड्स आर नेसेसरी नाउ नेक्स्ट इज मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाई विच सीड्स आर स्प्रेड उन तरीकों की एक लिस्ट बनाओ जिससे कि सीड्स स्प्रेड होते हैं सो हेयर वी कैन इंक्लूड द इन अवर लिस्ट वी कैन इंक्लूड द एनिमल्स डिपर्जन डिस्पर्जन ऑफ सीड बाय द एनिमल्स डिस्पर्जन बाय द एयर डिस्पर्जन बाय द वॉटर एंड ऑल्सो डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन सो आवर लिस्ट वी कैन इंक्लूड दीज मैथड्स हु केम फ्रॉम वियर कौन कहाँ से आया हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट क्या आपने ह्यूमन बींग को भी अपने लिस्ट में इंक्लूड किया सीड डिस्पर्जन की लिस्ट में येस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर नोइंगली और अन नोइंगली हम भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं कभी कभी जान पूछ कर और कभी अनजाने में वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स डैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल हम ऐसे बीजों को लाते हैं जो कि हम सोचते हैं कि वो सुंदर होंगे या हमारे लिए लाभदायक होंगे टू ग्रो दैम इन अवर गार्डन अगर हम उन्हें अपने गार्डन में उगाते हैं लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस और फिर ये बीज दूसरी जगहों पर भी फैल जाते हैं Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. और कई सालों बाद लोग यहाँ तक ये भी याद नहीं रखते हैं कि कभी ये पौधे हमारे यहाँ नहीं उगा करते थे They were brought from somewhere else. उन्हें कहीं बाहर से लाया गया था Do you know from where? chilies came to our country? क्या आप जानते हो कि हमारे देश में मिर्ची कहाँ से आई दीज वर ब्रॉड टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका ये दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा लेके आई गई थी हरी मिर्च हमारे यहाँ टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली और आज हम बिना मिर्च के भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते मतलब हमारे भोजन में मिर्ची बिल्कुल इस तरह से शामिल हो गई है तो लेकिन मिर्ची ओरिजिनली इंडिया में पैदा नहीं होती थी ये साउथ अमेरिका से आई है हेयर ए पोएम इज गिवन टू यू विच इज ओरिजिनली रिटर्न बाय राजेश उत्साही इन चकमक बुक मई जून 2002 ये चकमक नामक पुस्तक में राजेश उत्साही नामक राइटर ने मई जून के एडिशन में 2002 में लिखी थी हिंदी में जिसको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया गया है तो पहले मैं यहाँ पे आपको हिंदी की वो पोएम सुनाती हूँ जो कि राजेश उत्साही द्वारा लिखी गई थी बाद में इसे ट्रांसलेट किया है अनुपा लाल ने आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी सात समुंदर पार से दुनिया के बाजार से व्यापार से उपहार से जंग लड़ाई मार से तो ये अलग अलग तरीके बताए हैं कि कहाँ से अलग अलग चीजें आई जैसे कि आलू मिर्ची चाय ये कहाँ कहाँ से आई है और ये सात समुंदर पार से भी आई हैं अलग अलग बाज़ारों से दुनिया के अलग अलग बाज़ारों से आई हैं व्यापारों की तरीक़ों से आई है और कई बार जंग और लड़ाइयों के दौरान भी आई है हर रस्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी तो यहाँ पे हमें पता चला कि दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्ची आई थी जो कि आज हमारे मसालों की पटरानी बनी है साथ ही मूंगफली आलू अमरूद ये भी बाहर से आए हैं साथ में टमाटर भी बाहर से आया है भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी भिंडी और कॉफी ये दोनों ही अफ्रीका की है नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर तो गोभी और मटर जो है वो यूरोप से आए हैं चाय असम की बाईजी आलू मिर्ची चाय जी और चाय जो है वो असम की है चली चीन से सोयाबीन पहुँची अमेरिका बजाती बीन घूम घाम लौटी अपने देश उसमें है गुण कई विशेष तो सोयाबीन जो है वो सोया जो चीन से थी और चीन से अमेरिका पहुँची और अमेरिका से घूम घाम के फिर वापस चीन और भारत भी पहुँची रॉब जमा कर आई जी आलू मिर्ची चाय जी बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी ये सब चीज़ें जो हैं ये सब देसी चीज़ें हैं बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी ये सब देसी चीज़ें हैं भारत में उगती रही हैं भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से आई हैं सो हियर इन दिस इंग्लिश वर्जन ऑल्सो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम ए टोमेटो ए पटेटो एंड ग्रीन चिली साउथ अमेरिका से टमाटर आलू और हरी मिर्ची आए डू यू नो दिस क्या तुम ये जानते हो ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप जो कैबेज है बंद गोभी वो यूरोप से आई एंड ऑल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका मटर अफ्रीका से आई केम ए कॉफ़ी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी भी अफ्रीका से आई दे क्रॉस ट द लैंड दे क्रॉस ट दी उन्होंने जमीनों को प्यार किया और उन्होंने समुद्र को पार किया डिड यू नो दिस क्या तुम ये जानते हो ए मैंगो सेंग कम इन आम ने गाया आओ कम इन आओ एन ऑरेंज स्माइल्ड संतरा मुस्कुराया इन साइड इट स्किन अपनी स्किन के अंदर से वेलकम टू इंडिया ए बनाना सैड द मेथी एंड स्पिनिच ब्रिंजल एंड रेडिश नूडल्स नूड इट्स हैड तो जो मैंगो है ऑरेंज है बनाना है मेथी है पालक है ब्रिंजल है रेडिश है इन सब ने बाहर से आने वाली चीज़ों का स्वागत किया और ये सब चीज़ें हमारी देशी चीज़ें हैं जो कि पहले से इंडिया में पैदा हुआ करती थी डिड यू नोटिस तो क्या आप ये जानते हो वॉट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो भारत में बहुत पहले क्या क्या चीजें हुआ करती थी वर मैंगोज एंड bananas ग्रोन हेयर क्या मैंगो और बनाना केले और आम यहाँ हुआ करते थे पैदा होते थे वॉट केम फ्राम अदर कंट्रीज़ क्या चीज़ें बाहर के देशों से आई इमेज इन फूड विदाउट पोटैटोज़ और टमाटोज खाने की कल्पना करो बिना आलू और बिना टमाटर वाले खाने की कल्पना करो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते आलू या टमाटर के बिना खाने की जबकि वो ओरिजिनली हमारे देश में पैदा नहीं हुए हैं सो हे Uh, in India, many crops like tea, mango, orange, radish, methi, spinach, etc., were grown long ago. Yes, mangoes and bananas are grown here. Tomato and potatoes, chilies, coffee, etc., have come from other countries. We cannot imagine a proper vegetable curry without tomato. Potato is used in most of the dishes. such dishes would not be possible without potatoes and tomatoes. Now what we have learned, हमने क्या सीखा? Reena has drawn this picture of the seed sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? क्या सोचते हो आप कि बीज को स्प्राउटिंग के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए? So as we know वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड बीज के जर्मिनेशन के लिए वाटर और एयर की ज़रूरत होती है द सीड्स वुड नॉट शो चेंजेस इन द एबसेंस ऑफ वाटर एंड एयर अगर उसे प्रॉपर वाटर और एयर नहीं मिलता है तो वो किसी तरीके का चेंज शो नहीं करेगा हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेज राइट इन योर आउन words. बीज जो हैं वो दूर दूर की जगह तक कैसे फैलते हैं सो दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द सीड्स आर डिस्पर्ज बाय बर्ड्स एनिमल्स एयर एंड वाटर मैनी एनिमल्स ईट ए फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स थस दीज एनिमल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड्स सम सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड थस आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस Some seeds have the thin hairs and are lightweight. These seeds float on air and travel to other places. Some seeds float on water and thus travel to far off places. So these are the different methods of seed dispersion. So children I hope this video will be beneficial for you. To understand about the different types of seeds and the methods of seed dispersion and also about the things which come from out of the India. Now share the video with your classmates and friends and also subscribe my YouTube channel NCRT Science Mantra. Thanks for watching the video.